हमारा एक ग्रुप है, अभी हम लाइव शुरू करेंगे, शुरू हो रहा है लाइव। मैं भोंगर खान मांगणिया, मेरे साथी शकी खान, भुगड़ा खान, लतीफ खान, दीव खान, ये मेरे साथी कलाकार हैं। हम अभी धरोहर लोक कला संस्थान शिव में सभी हैं। लॉकडाउन के टाइम हमारे घरों में ही हैं। अभी हम वीडियो करने के लिए संस्था में आए हैं, थोड़ा वीडियो कर रहे हैं। तालुका गांव कोटा का रहने वाला हूं। कोटा यहां से 10 किलोमीटर है दूर है। कोटा फोर्ट है, कभी टूरिस्ट वगैरह आए तो यहां कोटा देखने के लायक है। यहां हमारे लोक कलाकारों के काफ़ी गांव नज़दीक है, उस सब के बीच में ये संस्था बना हुआ। शिव हमारा टाउन है, वहाँ एक म्यूजिकल हब हमने बनाया है कलाकारों के लिए। तालुका गांव में हमारे 30 घर हैं कलाकारों के, सभी जाने माने कलाकार हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। 30 घर हैं लोक कलाकारों के, 30 ही घरों में अपने अपने अच्छे कलाकार हैं, अपने अपने घरों में रह रहे हैं। अभी लॉकडाउन के टाइम में सभी अपने घरों में ही हैं। इंस्ट्रूमेंटल जुगलबंदी भी पेश करेंगे, खड़ताल, भपंग, मोरचंग, कमायचा, ढोलक, भजन, लोकगीत, सूफी भी पेश करेंगे। आप सभी को म्यूजिकल पेज पे जुड़ना है और हमारा प्रोग्राम देखना है। कुछ ही देर में हम शुरू करेंगे, उससे पहले आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि मैं संगीत नाटक अकादमी के द्वारा अवार्डी हूं। उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार 2015 में मिला है। 2020 में मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। मैंने 40 से ज़्यादा एब्रॉड में भी प्रोग्राम किया है। मैंने कई नामिनी कलाकारों के साथ में भी संगत किया है और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवलों में भी मैंने बजाया है। मेरा ग्रुप हर समय हमारे साथ में रहकर हम प्रोग्राम करते हैं। अभी हमारे फैमिली के हम कलाकार हैं जो अभी वीडियो ये जो लाइव कर रहे हैं। बाकी मेरे जो कलाकार हैं अभी लॉकडाउन के टाइम अपने अपने घरों में हैं, एक दूसरे का फ़ोन पे ही बातचीत हो रही है, मिलना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सब हमारे घरों में ही हैं। अभी हमारे जो हम परिवार के लोग हैं वो अभी पेश करेंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा भपंग, शुरुआत के टाइम में भपंग मेरा छोटा भाई है लतीफ खान, भपंग पेश करेंगे। अभी शुरू से आपको भपंग पेश Thank you.
करेंगे। आखिरी फरूक है भवर घराने बाजार खाने तो I'm not done.
आखरली फारूक है। अगली प्रस्तुति में वाद्य पेश करेंगे खड़ताल ढोलक। प्रस्तुत है खड़ताल और ढोलक। प्रस्तुति में प्रस्तुत करेंगे राधा और कृष्ण का भजन, श्री राधा रानी बांसुरी दे दो हमारे। Ah!
प्रस्तुति में प्रस्तुत है मोर्चा। लोकगीत पेश करेंगे शेणा और बायरिया धीमो मधुरो बाज। अरे घर घर होए ये ब्याव बधमना घर घर फिर कुन आवे मारे पालो ब।
ये था शरण और भाई जी। अभी काफ़ी टाइम से हम सभी मिले हैं, जरूर हम हमारे परिवार के ही है, जरूर थोड़ा आस दूर दूर से है, 5-10 किलोमीटर की दूरी से है। अगली प्रस्तुति में प्रस्तुत करेंगे लोक गीत हिचकी। एक दूसरे की याद में आती है प्रस्तुत है हिचकी। हम यही आशा करते हैं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, मंगल कामना करते हैं। जल्दी मिलेंगे इस महामारी से निपटने के बाद में। प्रस्तुत हैं जी हिचकी। I'm not afraid.
ये था लोकगीत। अगली प्रस्तुति में पारंपरिक लोकगीत पेश करेंगे घाटी रो नगारो। तो ये हमारा मांगणिया जाति का पारंपरिक लोकगीत है, प्रस्तुत है घाटी रो नगारो। आज हम इस मंच पे पहली बार ये लाइव शो कर रहे हैं। ये जो हमारा धरोहर लोक कला संस्थान का जो हमने ये एकेडमी बनाया, उस एकेडमी के स्टेज पर हमने पहली बार ये अभी हम मंच पे बैठकर अभी लाइव कर रहे हैं, प्रस्तुत है। शुक्रगुजार करते हैं म्यूजिक लाइव म्यूजिकल ग्रुप का, जिन्होंने आज हमारे ग्रुप को लाइव करने का मौका दिया। प्रस्तुत है घाटी रो नगारो। मन जान्या सजना मले हिवड़े ठजलक
था पारंपरिक गीत खाटी नगारो। अगली प्रस्तुति में राग सोरठ में पेश करेंगे धुमालड़ी, पारंपरिक लोकगीत हमारे यजमानों के घरों में गाया जाता है। कोई भी ओकेजन होता है तब हम हर मांगलिक अवसर पर हर मौके का हर अलग अलग गीत गाते हैं। तो ये खमा है धुमालड़ी, प्रस्तुत है राग सोरठ में धुमालड़ी।
ये था हमारा इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, जो आगे हमारा लाइव शो होगा तो उसमें अपन सभी मिलेंगे। हम आशा करते हैं कि आप अपने घरों में सभी सुरक्षित खुशी से रहे। ये COVID-19 वायरस से ख़त्म होने के बाद में लाइव शो होगा तो हम आपको मैसेज करेंगे, हमारा आप शो देखने के लिए आना। ये हमारी एकेडमी बना हुआ है, आप एकेडमी को देखिए। यहाँ से 10 किलोमीटर फोर्ट कोटला है, यहाँ से 100 किलोमीटर जैसलमेर है, 13 किलोमीटर सूर्य मंदिर है। जो चालू होगा उसके बाद में आप सभी आना, यह कार्यक्रम भी देखना। और ये हमारा और इसमें कई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होंगे, कई फेस्टिवल भी होंगे, सिखाया जाएगा लोकगीत प्रस्तुत है। ये इस कार्यक्रम का आखिरी लोकगीत, जल्दी मिलेंगे, धन्यवाद।